नमस्कार, खिलाड़ी नंबर वन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजार सो फार एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए बिल्कुल सीमित दायरे में। 7-8 अंकों की गिरावट है निफ्टी में। सेंसेक्स में बिल्कुल फ्लैट। मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान में है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आप कह लिए, वहाँ पर कामकाज हो रहा है। 41 अंक ऊपर है मिड कैप, फ्लैट टू पॉजिटिव, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 100 अंक ऊपर, रफली 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा निफ्टी बैंक हरे निशान में है और 0.5% से थोड़ी सी कम, करीब 1/4% ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बाजार में सपोर्ट निफ्टी बैंक की तरफ से थोड़ा बहुत है और ब्रॉडर मार्केट्स में करदारी है। 1800 शेयर तेजी में है, 1060 शेयरों में बिकवाली है। तो एडवांसेस डिक्लाइन में, एडवांसेस की संख्या ज़्यादा, एक शेयर के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि तेजी में है। कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है HDFC बैंक, करीब 11 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बजाज ऑटो 6 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प और रिलायंस करीब करीब 7 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव साइड पर यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नेगेटिवली गिर रहा है सिप्ला, करीब 6 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से है। L&T 6 अंकों का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ICICI बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दोनों भी रफली 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल मार्केट्स में पॉजिटिव स्टांस ज़्यादा और जो स्टांस बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा वो एटलीस्ट बैंकिंग की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जो इस हफ्ते हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें स्वाति होटकर हैं, साथ ही साथ रूपक डे है और अरुण जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज की कॉल्स को लेकर भी। लेकिन पहले रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। स्वाति सोफा लीड कर रही है पॉजिटिव 11% के रिटर्न के साथ। रूपक का रिटर्न नेगेटिव 1.4% और अरुण का रिटर्न भी नेगेटिव 9% देखने को मिल रहा है। तो मेजरली स्वाति सोफा हैंड्स डाउन लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी कॉल्स भी इंडिविजुअली जानेंगे और मार्केट से भी उनका स्टांस लेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो स्वाति, मार्केट्स पे आपका एक टेक, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तो रेंज बाउंड है लेकिन शायद थोड़ी वोलेटिलिटी सेकेंड हाफ में देखने को मिले। आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट्स को? Yes, good morning, first of all of you. Definitely market में कोई major हमें trend reversal नजर नहीं आ रहा है। Last 3 दिन से view या stagnant ही चल रहा है market, just 19,840 to 19,650 ये 200 point के range में ही निफ्टी खेल रहे हैं। बट स्टॉक्स काफी अच्छे momentum rally नजर आ रहे हैं। जैसे मैं रोज कह रही हूँ कि sectorial rotation हमें देखने मिल रहा था, उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन होगा तो definitely you can earn the profits. निफ्टी में मैं कहूंगी कि आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। 19,840 के ऊपर अगर क्लोज रखती है तो मुझे लगता है प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हमें 20,000 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है, सेटअप भी पॉजिटिव है फिलहाल निफ्टी में, जब तक ये 19,600 के लेवल्स होल्ड रखती है। तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, उस पर ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस खेलिएगा, यही मेरी राय होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए या सेक्टर रोटेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंडेक्स हालांकि आज थोड़ा सुस्त दिखाई पड़ रहा है। रूपक, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? करीब 19,800 के ऊपर जानकार मान रहे हैं कि शायद तेजी और कैरी हो और आज निफ्टी बैंक सपोर्ट भी कर रहा है, आपकी राय? जी, निफ्टी में मेरा राय तो पॉजिटिव ही रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक 19,500 होल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज की अगर बात करूं तो आज निफ्टी में चौपीनेस है। अगर 19,800 में पुट राइटिंग है तो 19,790 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पुट राइटर्स तो पोजीशन थोड़ा कवर अप करेंगे तो करेक्शन आ सकता है मार्केट में। बट ओवरऑल अगर 19,800 को सस्टेन करता है, चांसेस है कि ऊपर की तरफ लेकर जाए टुवर्ड्स 19,900 जहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग है। तो 19,900 के ऊपर आज के दिन थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा, लेकिन ब्रेकआउट देगा तो स्ट्रॉन्ग रैली आएगा। और मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा लॉन्ग साइड में रहेंगे आज के दिन में, लेकिन निफ्टी के बाहर रहेगा स्ट्रेटेजी। तो निफ्टी के बाहर स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। अरुण, आपकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आज ब्रॉडर मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है, स्पेशली स्मॉल कैप कैश मार्केट के शेयरों में ज्यादा खरीदारी है, आप भी क्या बाहर साइड पे कोई कॉल रखोगे अपने? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, मार्केट अगेन शॉर्ट कवरिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2 दिन से आएगा, पर वो निफ्टी में देखने को नहीं मिला। मेजरली आरबीआई का कल जो स्टांस था उसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर मुझे लग रहा है आज एक और दिन कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है और 19,900 के कॉल में हैवी राइटिंग है। ऑन द अदर हैंड 19,750 के पुट में भी हैवी राइटिंग है, तो इसी के बीच में आज एक्सपायरी होनी चाहिए 19,750 के बीच में। पर जैसे ही आज की एक्सपायरी खत्म होगी, अगर थोड़ा ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर देते हैं तो मुझे लग रहा है ऊपर में 19,900-19,950 जो मैंने पहले भी कहे वो टारगेट्स हासिल हो सकते हैं। मिड कैप्स में आज थोड़ा रुझान पॉजिटिव है 3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद। अगर वहां पे एडवांस डिक्लाइन इंप्रूव होते हैं तो हो सकता है मार्केट का सेंटिमेंट भी आने वाले दिनों में थोड़ा और अच्छा होता हुआ नजर।
तो शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद शायद सेकेंड हाफ में ट्रिगर करते हुए दिखाई पड़ सकती है। अभी के लिए एडवांस डिक्लाइंस में एडवांसेस 1863 और डिक्लाइंस 1021, ये आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तीनों की टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। स्वाति जी ने कॉल दी थी, मतलब 10.5% 11% रिटर्न है, उसमें IEX का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। 5% का पॉजिटिव रिटर्न आज फर्स्ट हाफ में आता हुआ दिखाई पड़ा सो फार अब तक। उनो मिंडा 1% का पॉजिटिव रिटर्न देकर गया। रूपक सर को 728 के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। RHI मैग्नेसीटा, इस पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी आए थे और उसका एक रिएक्शन देखने को मिला। कल 2% के आसपास की तेज़ी, 800+ के लेवल्स इसने भी आते हुए दिखाई पड़े थे। तीन नाम जो कि टॉप कॉल्स के तौर पर सुना है सुमार हैं। अब विनिंग पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा स्वाति जी का। स्वाति जी करीब करीब 11% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार जनरेट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। कौन कौन सी कॉल्स थी उनकी और किस तरह का स्कोप उनके पोर्टफोलियो में बसता है? उनके पास पिरामल फार्मा होल्ड है, आज एक अपग्रेड भी आया इसमें। IEX, FDC और JSW, ये तीन नाम जो कि उन्होंने सुझाए थे जहां पे प्रॉफिट्स को अपने बुक कर चुकी हैं। स्वाति जी, आपकी तरफ से दो कॉल का स्कोप बसता है, पहली कॉल कौन सी होगी? यस, मैंने PPL फार्मा में होल्ड कर रही हूँ। मुझे लगता है इसमें और मोमेंटम है 135 के लेवल्स तक, तो अभी के लिए मैं एक न्यू कॉल इनिशिएट कर रही हूँ सनटेक रियलिटी पे। 485-86 के रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है इसमें मंथली एंड वीकली चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का एंड अपसाइड मोमेंटम एटलीस्ट 530 लेवल्स तक हमें देखने मिलेंगे। तो सनटेक रियलिटी बाय कीजिएगा, 560 की तरफ से आई है। रूपक सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहां पर देखने को मिले? सो फार 1.4% नेगेटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में है। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उनो मिंडा में। एजिस लॉजिस्टिक्स को होल्ड कर रहे हैं, KEI में स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं और कल्याण ज्वेलर्स को होल्ड कर रहे हैं, तो उनके पास अब एक कॉल का स्कोप बचता है। रूपक सर, आपकी तरफ से इकलौती कॉल? मेरा आज का कॉल रहेगी PCBL में। स्टॉक ने एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, असेंडिंग चार्ट पैटर्न है डेली चार्ट में, और स्टॉक का चांसेस है कि स्टॉक अपसाइड में 290 तक जाए और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 249 में। PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, 260 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। SP गोयनका ग्रुप जो है इसमें कुछ वैसे भी पिछले 2-3 दिनों में पक रहा है, लगातार सारी ग्रुप कंपनीज में खरीदारी है। 290 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, 249.50 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अरुण जी का पोर्टफोलियो लेकर आए, सो फार काम नहीं करके गया, करीब करीब 9% नेगेटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में आ रहा है, लेकिन जो कॉल्स थी उसमें से स्वान एनर्जी से वो एग्जिट कर गए हैं, समय से उसको होल्ड कर रहे थे। EIL यहाँ से भी एग्जिट कर गए। RHI मैग्नेसीटा करीब 2% का पॉजिटिव रिटर्न देकर गया, ये होल्ड है। और FL इंडिया रफली 1063-64 के जोन्स में, यहाँ पर भी ये होल्ड करने की राय है। तो एक कॉल का स्कोप बसता अरुण जी के पास। अरुण जी, आपकी तरफ से एक कॉल? तो मुझे अगेन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है आज, दो सेक्टर्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो रियल्टी सेक्टर चल रहा है और दूसरा शुगर सेक्टर में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, तो रेणुका शुगर पे बाई करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल के आसपास ही बाई करें, 51.34 जो भी चल रहा है। 50 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 56 का ऊपर में टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से शुगर के प्राइसेस में उछाल देखने को मिला है ब्राजील की तरफ से, जो भी हम यूजुअली ट्रैक करते हैं, तो उसका इंपैक्ट आपको शुगर सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। तो 56 के टारगेट के साथ बाई करें और 50 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 50 के नीचे का एक स्टॉप लॉस और 56 के टारगेट्स के लिए रेणुका शुगर को आप देख सकते हैं, डे हाई पर ये ऑलरेडी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। स्वाति मैम, दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से? इस दूसरा कॉल भी मैं बाय कॉल देना चाहूंगी, जो कि एक सन फार्मा एडवांस पे स्पार्क पे करंटली काउंटर 252 के रेंज में चल रहा है। अगर आप उसका मंथली चार्ट देखोगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर लाइन चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक काफी नो वंडर ये स्लो मूविंग काउंटर है बट काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है टेक्निकल फ्रंट पे, तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी खासी हमें बाइंग देखने मिल सकती है। डिफेंसिव पैक में भी ये खेलेगा, अगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो भी ये काउंटर अच्छा खासा मुनाफा देगा अपसाइड में। आई बिलीव इसमें क्षमता है कि 275-280 के लेवल्स तक अपसाइड रैली देखने की, तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 245 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 275 लेवल्स। 275-280 के टारगेट्स के लिए आप सन फार्मा एडवांस को देख सकते हैं, करीब 245 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको स्वाति जी दे रही है। तो दो कॉल स्वाति जी की तरफ से, दोनों एस, सनटेक रियल्टी एंड सन फार्मा एडवांस, जिसके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं।
आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने तीनों खिलाड़ियों से, लेकिन पहले एक स्टॉक जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है वो है बजाज ऑटो। अच्छी तेजी स्टॉक ने ऑलरेडी दिखाई है और उस तेजी के बाद भी ये स्टॉक अभी भी 3.5% ऊपर है और नए ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड आ रहे हैं। क्या है तमाम डिटेल ये यतिन से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम इस पर बातचीत करेंगे। तो यतिन, एक बढ़िया अपग्रेड आया है बजाज ऑटो के अंदर और रिएक्शन भी स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है, क्या है डिटेल आपके पास? तो जहाँ तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। आज मॉर्गन स्टैनली की एक ओवरवेट कॉल आई है, टारगेट है 6230 रुपए के आसपास। और अगर हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। ट्रायम्फ की बात करें तो इनकी जो एक लग्जरी मोटरसाइकिल है, इनकी सेल्स का रैंप अप बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है और ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है जिसके कारण कंपनी के मुनाफे में आपको बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। 10,000 यूनिट्स प्रति मंथ के हिसाब से ट्रायम्फ की सेल्स होती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां तक कि चेतक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसकी बिक्री लगभग 20,000 से ज़्यादा प्रति महीने के हिसाब से हो सकती है। तो यहाँ भी बाजार को काफ़ी उम्मीद है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है यहाँ चेतक की सेल्स में काफ़ी अच्छा पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जहाँ तक कि डोमेस्टिक 125 cc बाइक्स का सवाल है, तो जो दिवाली का पीरियड था, जो फेस्टिव सीजन था, यहाँ 50% साल दर साल बेसिस पे आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। और अगर हम थ्री व्हीलर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट शेयर जो है 80% से ज़्यादा है। तो अगर हम थ्री व्हीलर्स की बात करें, एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें जो सुधर रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो ऑल फ्रंट्स पे मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि बजाज ऑटो का शेयर यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स का पोटेंशियल लगा सकता है। तो 5,945 3% चलने के बाद ये स्टॉक प्राइस और 6,300 प्लस ये टारगेट्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसका रिएक्शन बजाज ऑटो में आज आपने देखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अतिन तमाम डिटेल बताने के लिए। रूपक जी, क्या करा जाए, बजाज ऑटो डे हाई के आसपास है, फंडामेंटल ट्रिगर तो अतिन बता ही रहे थे, टेक्निकली आप कैसे रीड कर रहे हो? टेक्निकली तो स्ट्रेंथ बरकरार है इसमें, डेली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं, इवन इंडिकेटर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं फर्दर अपसाइड के लिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, नीचे 57-50 जब तक होल्ड है तब तक होल्ड करना चाहिए, अपसाइड का टारगेट ओपन है। तो फिलहाल तो बने रहें और अच्छे अपसाइड बजाज ऑटो के अंदर भी और खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, करीब 5,938 के जोन्स में अभी ये स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास ये फर्दर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक अच्छी तेज़ी बजाज ऑटो में देखने को मिल रही है। लाइक वाइज आज एक अच्छे अपमूव जो है वो हीरो मोटोकॉप में भी है, तो क्योंकि बजाज ऑटो का एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो आपको हीरो मोटोकॉप पे भी दिखाई पड़ेगा, वो भी करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर है। अरुण सर, हीरो मोटोकॉप इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि बजाज ऑटो में तेज़ी है ही, TVS और हीरो मोटोकॉप भी इसको पिकअप कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करा जाए? समझिए, जो बजाज ऑटो में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला वो भी हीरो मोटो में भी देखने को मिल रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट 3500 या 3450 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग इसमें भी आ सकती है क्योंकि कॉल रेटर्स काफी फंस चुके हैं। पर चूंकि एक्सपायरी नजदीक है, मुझे लग रहा है 100 रुपए की और मोमेंटम स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है, 3650-3670 ये मुझे लग रहा है ये लेवल्स आपको इस मंथली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, और 100-120 रुपए की मूवमेंट मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी भी ड्यू है। स्वाति मैम, आपके पूरे पोर्टफोलियो में आपके पास दो मौके थे लेकिन आपने कहीं पर भी केमिकल स्पेस को नहीं चुना, जबकि आज पूरा बजिंग स्पेस है, नवीन फ्लोरीन, PI इंडस्ट्री, जुबलेंट इंग्रेविया, ऐसे बहुत सारे नाम केमिकल के हैं जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे हैं, ये स्पेस में कुछ पसंद नहीं आया आपको? मेरी साइकोलॉजी ये थी कि पूरा मार्केट एक ही सेक्टर के पीछे चलेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा, तो ऐसे स्टॉक ढूंढो कि जिस पे किसी की नजर ना हो एंड एक्सपर्ट ब्रेकआउट हमें देखने मिले, तो ऐसे काउंटर्स में ढूंढ रही हूं। और कोई स्टॉक अगर इसमें से चुनना हो केमिकल स्पेस में से, तो कोई नाम जो सुझा रहे हो आप, आपको सही लग रहा हो? केमिकल्स में डेफिनेटली PI इंडस्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है एंड अपवर्ड राइजिंग चैनल्स में चल रहा है, 3740 का ब्रेकआउट लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो 4000 के लेवल्स हमें देखने मिलते हैं, तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में कॉल लेने की, तो PI इंडस्ट्री एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। तो PI इंडस्ट्री एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्वाति मैम ने वे भी कह दिया कि आप वो सेक्टर चुनिए जहां पर अभी बाजार की नजर ना हो। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों का जो पोर्टफोलियो है वो भी देखते हैं और किस तरह के रिटर्न कंट्रीब्यूशन है इस पर भी बातचीत करते हैं, छोटे से ब्रेक के उस पर। अब जो खिलाड़ी नंबर वन और तीन खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट्स बिल्कुल रेंज बाउंड है और जो मोमेंटम है वो है बजाज ऑटो में,
साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प में, टीवीएस मोटर में 2.5% ऊपर है, लेकिन एक नाम इन सब में मिस हो गया, वो है आयशर मोटर। जरा उसको भी लेकर आए स्क्रीन पर, क्योंकि आयशर मोटर के अंदर भी तेजी आई है और टू व्हीलर स्पेस का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर भी आता है, तो वॉल्वो आयशर के अलावा करीब करीब 1.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। स्वाति मैम, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो में तो मैंने बात कर ली, टीवीएस मोटर और आयशर मोटर, इन दोनों में से कुछ चुनना हो तो क्या चुनोगे आप? डेफिनेटली मैं टीवीएस मोटर चुनूंगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में। जब अगर आप लास्ट 2-3 साल का भी डेटा देखोगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में भी जब भी चलते हैं तब ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मुझे लगता है इसमें क्षमता है 2000 के लेवल भी टेस्ट करने की। तो अगर लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए कोई पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली टीवीएस मोटर मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइपल रहेगा। ओके, और इसके अलावा रूपक जी, एक ABFRL को और देखो, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल को, ये अच्छे अपमूव में आया है, डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है, एक तेजी आई है, 4% का उछाल है, सीजन का जो ट्रेंड है वो भी इनके फेवर में आ गया है, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे भी इनके लिए काफी बेटर होता है आमतौर पे, तो आप कैसे रीड कर रहे हो आदित्य बिरला फैशन को? जी, ABFRL आज तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसको सस्टेन करना पड़ेगा 225 के ऊपर, तब जाके इसमें सस्टेन रैली आएगा। तो मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना है कि 225 को कोई सस्टेन कर रहा है कि नहीं, अगर करता है तो इस पर पोजीशन बनाना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 250-260 शॉर्ट टर्म के लिए। आप क्या रखेंगे इसमें रूपक जी? स्टॉप लॉस क्या रखेंगे इसमें? स्टॉप लॉस रहेगा 219 रुपया। ओके, तो क्लोज स्टॉप लॉस 225 के ऊपर अगर कहीं क्लोजिंग होती है तो आप इसको लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर नहीं होता है उसके नीचे ऊपर क्लोजिंग तो एक बार को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छे अपमूव है और एकाएक तेजी के बाद डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीन फ्लेवर में, एक रिटेल में कुछ कुछ पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, दूसरा केमिकल के अंदर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है, तमाम केमिकल और केमिकल में एकाएक जो बाइंग आई है वो नवीन फ्लोरीन में, नवीन फ्लोरीन भी स्क्रीन पर लेके आई है, 2.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और ये भी डे हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। नवीन फ्लोरीन PI इंडस्ट्रीज कैश मार्केट में से जुबिलेंट इंग्रेविया ऐसे स्टॉक जो कि आज खरीदारी के साथ यहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो पूरे स्पेस में एक अच्छे अपमूव बने हुए हैं। और तीसरा, ऑटो स्पेस में बजाज ऑटो का जो अपग्रेड है उस अपग्रेड ने पूरे टू व्हीलर स्पेस को स्पार्क दे दिया, तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स सब में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। चले अब लौटते हैं तीनों खिलाड़ियों के जो रिटर्न्स हैं उनके ऊपर और किस तरह की पोजिशनिंग सो फार देखने को मिल रही है। जो सबसे पहले पोर्टफोलियो, विनिंग पोर्टफोलियो जो है स्वाति जी का है, पिरामल फार्मा ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं, आज एक अपग्रेड आया है और अपग्रेड के साथ साथ उनको बने रहने की राय भी है, 135 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें चल सकते हैं पिरामल फार्मा में। सनटेक रियल्टी एक नया एडिशन है, 530 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं, 460 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सन फार्मा एडवांस रिसर्च करीब 275 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी आप लॉन्ग जाएंगे, 245 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें पिरामल फार्मा 3.5% की तेजी यहाँ पर अब दिखा रहा है, सनटेक रियल्टी 2% ऊपर और 2.25% के आसपास का उछाल स्पार्क सन फार्मा एडवांस भी देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रूपक जी, ये पोर्टफोलियो में कल्याण ज्वेलर्स 380 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय यहाँ पर आई है। एजिस लॉजिस्टिक्स और 370 के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी दोनों होल्ड हो रहे हैं, लेकिन PCBL यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक 290 रुपये के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करके चलने की राय, 250 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 1.5% पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन PCBL, एजिस हालांकि 1.5% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कल्याण ज्वेलर्स भी करीब करीब 0.5% के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। RHI मैग्नेसीटा को होल्ड कर रहे हैं अरुण जी, इसके अलावा FL इंडिया भी होल्ड कर रहे हैं 1150 के टारगेट्स के लिए, 1040 का स्टॉप लॉस और श्री रेणुका 56 के टारगेट्स के लिए नई कॉल जो कि इनिशिएट की है 50 रुपये के स्टॉप लॉस साथ। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें RHI मैग्नेसीटा अच्छा अपग्रेड और उसका रिएक्शन भी 2% ऊपर, FL इंडिया फ्लैट टू नेगेटिव और श्री रेणुका फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाने से पहले स्वाति मैम, एक राय आपसे पिरामल फार्मा पे मैं जरूर लूंगा, क्योंकि आज एक अपग्रेड भी आया है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से और आप इसे होल्ड भी कर रहे हो, तो क्या रैशनल आप लेके चल रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? रैशनल है, डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने स्ट्रक्चर बना है डेली में फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है एंड 123 का ब्रेकआउट ही है, अभी इस पे देख रही हूँ कि ये सस्टेन रह रहा है, अपसाइड में मिनिमम 135-140 के लेवल्स में देख रही हूँ। जिन्होंने अभी नीचे के साइड अगर बाइंग किया हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए, 118-119 का एटलीस्ट प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखे आप अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड ऑन कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 135-140 लेवल्स। जेफरीज की तरफ से यहां पर आज बाय आई है 135 रुपए के टारगेट्स के लिए
और उनका ये मानना है कि करीब करीब 13% के आसपास का CAGR रेवेन्यूज में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और करीब करीब 40% का EBITDA CAGR दिखा सकते हैं अगले 3 से 4 सालों में। इसीलिए 135 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलने की राय उनकी तरफ से भी पिरामल फार्मा पे आई हुई है। अच्छा, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी वही देख लेते हैं। सबसे आगे सोफा लीड कर रही हैं स्वाति जी, करीब करीब 22% का पॉजिटिव रिटर्न उनके पोर्टफोलियो में है। रूपक जी का रिटर्न -2% और अरुण जी का पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है थोड़ा घटा और करीब -8-9% की जोन में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रूपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स रेंज बाउंड ट्रेड में अभी कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब 4 अंक नीचे है, सेंसेक्स भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव है। हालांकि बाइंग आज आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी, 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन में करीब करीब 1900 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 1000 शेयर ऐसे हैं रफली जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। तो मेजरली जो बायस है मार्केट का वो अभी भी पॉजिटिव साइड पर है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।